नमस्कार, आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल अपने में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका उपयोग, इसका प्रयोग अलग-अलग संदर्भ में हुआ है। एक समय था आज से 20-30 साल पहले, जब बॉलीवुड का प्रभाव सपने के रूप में होता था, तो लाइफस्टाइल को अक्सर पैसे से जोड़ा जाता था, चमक दमक से जोड़ा जाता था, किसी तरह के कपड़े पहनने को जोड़ा जाता था। खान पान में बड़ा रिच फूड के बारे में ये बात कही जाती थी। समय बदला, उसके साथ लाइफस्टाइल को लेके कुछ परिदृश्य बदले, और उसमें खान पान में मॉडरेशन होने लगा, सेलेक्टिव फूडिंग की बात होने लगी, जो कि आज भी होती है कि फलाना चीज़ खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना चीज़ नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे लोगों को ये खाना चाहिए, ऐसे लोगों को वो खाना चाहिए। फिर इसके साथ आया कि घर कैसे होने चाहिए, लोग वास्तु की बात करने लगे, वास्तु के भ्रमों की बात होने लगी। वास्तु एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या वो इतना जड़ है कि इस दिशा में ऐसा होना चाहिए और इस दिशा में ऐसा नहीं होना चाहिए? प्रॉबेबली नॉट, इतना वो नहीं है, लेकिन उसको आर्किटेक्चर से जोड़ दिया गया। देन लाइफस्टाइल की बातें होती हैं, तो फिर इसी तरह से और कई चीज़ें होने लगी। जब मैं इनकी बातें करता हूँ, तो इससे पूर्व मैं आपके साथ एक फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन करूँगा, एक फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन शो करूँगा, जो कि आपके सामने जब हम ये बात करते हैं कि देखें, इसके बारे में कुछ बात करते हैं, जैसा मैंने कहा था, इस कलेक्शन को देखने से पहले आपने देखा होगा इसमें कई फोटोग्राफ्स थीं। कुछ फोटोग्राफ्स सड़क चलते मालिश की, नाई के यहाँ बैठे हैं, वहाँ मालिश हो रही है, लोग अपने गर्दन की हड्डियाँ बोल से आवाज़ कराते हैं, चंपी करा रहे हैं। आपने देखा कि सड़क किनारे लोग जोंक चिपका के खून निकाल रहे हैं, या मोटी सी रस्सी बांध दी उससे खून निकाल रहे हैं। अक्सर हिंदुस्तान में देखने को मिलता है सड़क किनारे हिमालय आयुर्वेदिक दवा खाना, तो गुप्त रोग, तो ये सब लिखा हुआ, हिमालय कैंप, ऐसी चीज़ें। फिर आपको सड़क चलते पार्क्स में, बड़े बड़े शहरों में आप लोग, आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जो सड़क किनारे कान साफ करा रहे हैं। एक यू कांट से ही इज स्किल्ड, लेकिन ऐसे आदमी को कह दे रहे हैं कि भैया हमारा कान साफ कर दो। और ये सब क्या है? कुछ कार्टून्स आपने देखे, आदमी लेटा हुआ है,
बट बोतल चल रही है, आदमी है उसको कुछ भी चल रहा है बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिना किसी प्रॉपर मैनेजमेंट के, ये सब क्या है? ये सब झोला छाप कहलाए, झोला छाप, क्वैक्स इज द वर्ड इन इंग्लिश। इसका स्वरूप भी आज बदल गया है। इसका स्वरूप बदला पर्टिकुलरली जब हिंदुस्तान में एमवे जैसी कंपनीज आई, एमवे जैसे कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना शुरू किया, डोर टू डोर मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कस्टमर को प्रॉफिट्स दिखा के मार्केटिंग करने की बात करना शुरू किया। अब एक छोटा सा उदाहरण कि आप कैल्शियम खा लीजिए, हर कोई बताने लगा कि आप बूढ़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। हाउ फार, व्हाट डोज, कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है, उसको ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि कैल्शियम चाहिए कि कैल्शियम नहीं चाहिए। कैल्शियम अपने में एक बहुत ही डेलिकेट मिनरल है, जिसकी ज़्यादा या कमी से बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इसी तरह के फूड सप्लीमेंट्स के साथ, वाइटमिन्स के साथ बहुत सावधानियां हैं। कई ऐसे वाइटमिन्स हैं जो स्पेसिफिक हैं कि किसी के लिए इस्तेमाल करने हैं, किसी के लिए नहीं करने हैं। और हर चीज़ को हर चीज़ के साथ जोड़ देना, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गलत है। कुछ नई चीज़ें भी पैदा हुई हैं मॉडर्न मेडिसिन में, जैसे स्पेशलाइजेशन की चीज़ें हुई, डाइटिशियन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, या कोई और हो गया। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन का जो वास्तविक मॉड्यूल है वो कहता है कि सभी मिलकर एक टीम की तरह काम करें, एक साथ काम करें, लेकिन कम से कम अपने देश में ऐसा बहुत कम है, बहुतायत में देखने को नहीं मिलता है। डायटिशियन है वो इंडिपेंडेंटली अपना कुछ कर रहा है, डॉक्टर अपना कुछ कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट अपना कुछ कर रहा है, और सब हिंदुस्तान में एजुकेशन का जो स्तर है उसमें अनफॉर्चुनेटली ये मानते हैं कि ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, हर हर इंसान डॉक्टर हो जाता है, जिसका मतलब है कि हर इंसान एक झोला छाप है। और ऐसे में कहीं अगर दुष्प्रभाव पड़ा है तो वो पड़ा है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, या जिनको अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कहा गया है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनको असर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वास्तव में होलिस्टिक हैं, ये पूरे की बात करते हैं। ये बात ये करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका निराकरण सिर्फ दवा या किसी एक प्रक्रिया में नहीं है, इसका निराकरण पूरी जीवन शैली के मॉडिफिकेशन में है, पूरी जीवन शैली को मॉड्यूलेट करने में है। सो फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद में आप किसी के पास जाएंगे, गठिया लेके जाएंगे, मैं पुराने वैजी लोगों की बात करता हूँ, तो वो आपको एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि खटाई नहीं खाना है, तो रूखी चीज़ें नहीं खाना है, तो भुनी चीज़ें नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं करना है, तो पानी कम है आपको पानी ज़्यादा पीना है, ऐसा 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 करके। उसका एक विपरीत भी है, ये ना कह के कि ये नहीं करना है, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या करना है। लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन, लाइफस्टाइल प्रैक्टिस इसी चीज का नाम है। बहुत शॉर्ट में कुछ बेसिक सी चीजें कही जा सकती हैं, जैसे ईट सीजनली, जो मौसम का है उस मौसम का जरूर खाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान में हैं तो इटालियन फूड मत खाइए, चाइनीज फूड मत खाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुतायत में वो ऑथेंटिकली इटालियन या चाइनीज नहीं मिलता, उसमें कोई ना कोई भारतीय ट्विस्ट होता है, क्योंकि कोई चीज यहाँ नहीं मिलेगी, कोई चीजें अमूमन यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उस चीज को समझना जरूरी है। कुकरी, खाना बनाना अपने में एक बहुत बड़ा साइंस है, इट्स नॉट ओनली एन आर्ट, एक साइंस भी है। अमूमन लोग मसालों की बैलेंसिंग नहीं करते हैं, जबकि मसालों की बैलेंसिंग इज वेरी क्रिटिकल टू द इम्यून सिस्टम, वेरी क्रिटिकल टू द फैक्ट के बॉडी का जो पीएच लेवल है, पीएच बैलेंस है, एसिड अल्कलाइन बैलेंस है, वो मेंटेन होता है।
अगर वो डिस्टॉर्ट होता है तो जो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है, जो रासायनिक प्रक्रिया है, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और उस सारे प्रभाव के कारण शरीर में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो मेटाबॉलिक्स इंड्यूस्ड होती हैं, मेटाबॉलिक्स के कारण होती हैं, मेटाबॉलिक जन्य होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको एक मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो जब तक मिला के नहीं देखा जाएगा नहीं हो सकता। एक और फैड है, थैंक्स टू बाबा रामदेव ये एक चीज़ हुई जिसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, लेकिन शायद वहीं से कुछ गलतियां भी हुई और वहीं से कहीं वो गलतियां बढ़ी भी, कि हर रोग का उपचार योगासन नहीं है। योगासन एक पार्ट है, योगासन पूरे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। जस्ट लाइक फिजियोथेरेपिस्ट एलोपैथ में कर रहे हैं, योगाचार्य आयुर्वेद में करने लगे हैं, भूलते हुए कि वो एक सिस्टम का पार्ट है। सिमिलरली पंचकर्म के साथ हो रहा है, लोग पंचकर्म कर रहे हैं, पंचकर्म करा रहे हैं, इट हैज बिकम अ कॉस्मेटिक थिंग रादर देन अ मेडिकल ट्रीटमेंट मॉड्यूल। इसकी अपनी एक वैधानिकता है, अपनी एक ज़रूरत है, और सारे पंचकर्म की सारी विधाएं एक जैसी नहीं है, सबके लिए नहीं है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज क्रिटिकल, समझने की ज़रूरत यह है कि क्या जरूरी है, क्या क्रिटिकल है, कितना सोना, कैसे सोना, कितना काम, कैसा काम, उसके साथ कैसा खान पान, कैसी शारीरिक प्रक्रिया, कैसी शारीरिक मैनेजमेंट, 24 घंटे आपके कैसे होने चाहिए, 3 महीने आपके कैसे बीतने चाहिए, सब पूरा साल आपका कैसा बीतना चाहिए, बढ़ती उम्र के साथ क्या वेरिएशंस आने वाले हैं। लाइफस्टाइल की जब बात होती है, जीवन शैली की जब बात होती है, तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, ये पूरा एक साइंस है, पूरा एक मैनेजमेंट है, जिसको कि हमको मिला के चलना होता है, एक साथ लेके चलना होता है। मैं इन फैट्स की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आयुर्वेद में बड़ी सीधी सी चीज़ है जो कि सच भी है, कि एक चीज़ जो मेरे लिए है वो दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है वो मेरे लिए नहीं है। वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल, ये थियोरी मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में कतई कतई लागू नहीं होती। ये किसी भी तरह से इस आधार पर नहीं आती कि हाँ जो मेरे लिए, जो मैंने अमुक इंसान के लिए किया, वो ज़रूरी नहीं कि उसी तरह से या वही प्रभाव दूसरे इंसान पे भी दे। इसीलिए शायद किसी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन आसानी से संभव नहीं है, इसीलिए शायद अलग-अलग लोगों की अलग-अलग अप्रोचेस दिखती हैं। बट व्हेन यू टॉक लाइफस्टाइल, जब आप अपने जीवन शैली को नियंत्रित करना चाहते हैं, नियमित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, रिमेम्बर आप एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर सिर्फ किसी एक चीज़ की बात ना हो, सिर्फ कंसल्टेशन ना हो, ज़रूरत हो तो वहाँ आपको दवा भी मिले, ज़रूरत हो तो वहाँ आपके खान पान के बारे में भी चर्चा हो, ज़रूरत हो तो एक्सरसाइजेस की भी बात हो। और ज़रूरत ही क्यों हो, वास्तव में ये सभी चीज़ें मिला के लाइफस्टाइल है ना। तो एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इन सभी की बात हो, जहाँ पर ये सभी डिस्कशंस हों, आपका डॉक्टर आपके साथ बैठ के इन सारे विषयों पे बात करे। सच है, हो सकता है ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा न सिर्फ पैसे, समय भी ले, इसलिए लेगा कि आपका डॉक्टर आपका मित्र है, आपका साथी है। द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेडिसिन अप्लाइज। वो डॉक्टर बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा जो दिन में 300 मरीज देख रहा है, क्योंकि वो शायद अपने मरीज को जो रिक्वायर्ड समय है वो ना दे रहा हो, उसकी सिर्फ एक टेक्निकल स्किल है जिसका वो बेनिफिट उठा रहा है। डॉक्टर जो माना गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, वैद्य की जो है वो यही कहती है कि वो आपको सुनेगा, आपको समझेगा, आपके साथ चर्चा करेगा, आपके साथ डिस्कशंस करेगा,
तब आपकी और उसकी कोई सहमति बनेगी। जब वो सहमति बनेगी तब वो आपका इलाज होगा, अन्यथा वो सिर्फ आपके विश्वास के साथ खेल होगा। धन्यवाद।